बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायद ही उर्दू या हिंदी समझने वाला कोई मुसलमान ऐसा हो जिसने मौलाना तारिक जमील साहब के बयानात ना सुने हों। मौलाना साहब की दिल मोह लेने वाली आवाज़ अपने अंदर ऐसी तासीर रखती है कि जो इन्हें सुनता है वो इन्हें सुनता ही चला जाता है। मौलाना साहब का हर बयान ही दर्द दिल से भरपूर होता है कि शायद ही कोई ऐसा बयान हो सुनने वालों की आँखों को नम ना करे। आज हम आपके लिए मौलाना तारिक जमील साहब की आवाज़ में तलावत कलाम मुजीद लेकर आए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें तलावत कलाम मुजीद में भी बड़ा मलका अता फरमाया है। अगरचे ये बहुत बड़े कारी कुरान तो नहीं, लेकिन इनकी आवाज़ में अजीबो गरीब सोजो गदाज पाया जाता है। فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا तलावत कलाम मुजीद सुनकर इनके बयानात की तरह दिल खशियत इलाही से कांपने लगता है और ईमान की कैफियत बढ़ती हुई महसूस होती है। आपने इस तलावत कलाम मुजीद को कैसा पाया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह इन्हें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन सुमामीन।